आकाश परी को गुलाम बना देने का मल, आकाश परी को अपने कदमों में गिरा देने का मल। तो जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे पी के इस साधना चैनल में। आज हम आप सभी के लिए फिर से बहुत ही अच्छा आकाश परी का मल लेकर आए हैं, जो कि आप लोग भी जानते हैं कि आकाश परी वो परी होती है जो कि आसमान में रहती है, उड़ती है, आसमानों में सैर करती है और बहुत ही सुनहरी होती है, सफ़ेद होती है, बहुत ही तेज़ी से पलक झपकते हैं उड़ जाती है। इसको बोलते हैं हम लोग आकाश परी। इसका कार्य अगर हम जाने तो ये कार्य भी वैसा ही प्रकार का करती है जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि आम परियां भी करती है, वैसा कार्य ये परी करती है, ठीक है ना। एक तरह से हम बोले तो आपका पैसा का तो प्रॉब्लम भी दूर कर देती है, इतना तो आप याद रखिए। पैसा, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, यहाँ तक कि बीमारी का भी हल, वशीकरण, लड़की का वशीकरण या लड़का का वशीकरण या पति पत्नी का जो भी वशीकरण, वो चार्टर मोहन है, वो हर चीज़ करती है। यहाँ तक भी मारण प्रयोग भी इसके मतलब से आप कर सकते हैं, किसी के बारे में आप इसे मतलब कि पूछ के किसी को भी बता भी सकते हैं, ठीक है ना। इसके मदद से आप बड़े बड़े दरबार लगा सकते हैं, बड़े बड़े रोगी को आप ठीक कर सकते हैं, बड़े बड़े बीमार आदमी को आप अच्छे से उसको सेहत बना सकते हैं। अब हम बता दें कि ये जो अमल है, इस अमल को आप कैसे कर सकते हैं। अमल बहुत ही शानदार है, अमल बहुत ही अच्छा है और अमल को आप करने भी जाएंगे तो इसमें कोई खतरा नहीं है, कोई डर भय नहीं है। तो चलिए हम बता देते हैं इस अमल को कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको इस अमल को करने के लिए आपको एक दिन का मुताया है, जो कि ये दिन सिर्फ आपको शुक्रवार को ही करना है, अन्यथा और दिन इसमें नहीं चलेगा। शुक्रवार को कहना है, शुक्रवार के अलावा और दिन में नहीं करना इस साधना को। साधना करने का टाइम रहेगा दिन के 12 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे के बीच में, ठीक है। ये टाइम आपको याद रखना है, ओनली शुक्रवार के दिन। मुस्लिम भाई है तो नमाज पढ़ने अगर चले जाएंगे शुक्रवार को तो नमाज से फारिज होकर आप तुरंत लौटिए और इस अमल को कर सकते हैं, या तो उस दिन आप नमाज पढ़ने नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इस अमल को अगर करना है तो आपको, क्योंकि शुक्रवार का ही इसका दिन चयन किया गया है और आपको दिन के 12 बजे से लेकर के दोपहर के 3 बजे के बीच में आप इस अमल को कर सकते हैं। आप बता देते हैं कि कैसे करना है, यानी कि इसका विधि। विधि क्या है कि आपको कहीं ऐसी जगह जाना है जो कि आपके शरीर पे धूप पड़े, ठीक है। मतलब कि आपके शरीर पे ज़्यादा धूप पड़ना चाहिए, बीच में जाकर कहीं मैदान में खड़े हो जाए। ये नहीं कि किसी जंगल पेड़ पौधे के बीच में खड़े हो गए और आपको लगेगा कि टाइम तो दोपहर का ही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका उस दोपहर का जो धूप है वो आपके पूरे बदन पर पड़ना चाहिए, पूरे आपके बॉडी पर पड़ना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर जाने के बाद आपको खड़े हो जाना है और खड़े होने के बाद आपको अपने एक हाथ में सुपारी लेनी है, ठीक है, सुपारी। और आपको सुपारी लेने के बाद अपने हाथ में सुपारी लेते हुए और आपको हाथ को मून लेना है मुट्ठी में। उसके बाद आपको मंत्र पढ़ना है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मंत्र अच्छे से देखिएगा। आकाश परी दुहरम हाजिर हो, आकाश परी दुहरम हाजिर हो, इसी को आपको मंत्र पढ़ना है। कितना बार? तो 151 मर्तबा, 151 मर्तबा आप इसको पढ़ना है। जैसे ही आप इसको पढ़ लेंगे बिला नागा तो आपके सामने वो आकाश परी की हाजिरी होगी। और जब भी वो आकाश परी हाजिर हो, जो आप हाथ में सुपारी लिए होंगे, उस आकाश परी के शरीर पर फेंक देना है। फेंक देंगे उसके बाद वो आपसे बात करेगी, आप भी उससे बात करें, वचन बंध ले और उसके बाद आप उससे दोस्ती कर लेंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में आपको मैंने हर चीज़ इसमें रिकवर कर दिया और हर चीज़ कवर करके आपको बता दिया कि इसमें इस अमल को कैसे कैसे क्या करना है। विधि तो आपको हर चीज़ समझ में आ गया। अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आया हो कमेंट में लिख सकते हैं या आप हमारे पास कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। या आप इसका ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो इसका नॉर्मल सा ट्रांसफ़र भी मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ एक छोटी सा बात कि मेरे पास बहुत से आदमी कॉल करते हैं लेकिन मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ। जब मैं कॉल इधर से लौटाता हूँ तो बात छोटी सी रहती है, उतने ही के लिए कॉल कर देते हैं क्या। तो अगर मान लीजिए मेरे पास कोई आदमी कॉल किया, पूछते हैं कि गुरुजी ट्रांसफ़र चाहिए, इतना खर्चा लगेगा। अच्छा ठीक है गुरुजी, कोई बात नहीं, बाद में बात करूँगा। अरे भाई, जब तुम जानते हो, जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम ट्रांसफ़र तुम भी जानते हो कि सामग्री का खर्चा लगता है, तो बेमतलब का कॉल मत किया करो। पैसा है तो कॉल करो। अगर तुमको किसी चीज़ के बारे में जानना है तो उसी तरह कॉल कर सकते हो। अब तुमको भाई ट्रांसफ़र भी लेना है, पैसा भी नहीं है, बेकार में तुम कॉल करोगे, डिस्टर्ब करोगे, ऐसा नहीं चलता, ठीक है ना। इस बात का थोड़ा लाजमी ख्याल रखें।
क्योंकि मान के चलिए मैं भी पूजा में बैठा रहता हूँ तो उसमें बीजी आता है, ठीक है ना, थोड़ा सा विग्रह आता है। तो चलिए जी नमस्कार, जय माता।